काल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। पूरी दुनिया एक तरफ विरोध में आ जाए और आप एक तरफ, केवल आपके सर पर भगवान का हाथ है, दुनिया फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठाकुर जी ले गए पांचों पांडवों को, पांचों पांडवों के पुत्र आकर के सो गए, नंगी तलवार लेकर के आया, सोचा कि ये पांचों पांडव हैं, उन पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया और पांचों सरों को ले जाकर के चरणों में डाल दिया। ले देख, तूने अभी मुझे कुछ देर पहले सेनापति बनाया और अभी 24 घंटे नहीं हुए, अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ है, जो कार्य तेरे 100 भाइयों पर नहीं हुआ, तेरी सेना पर नहीं हुआ, बड़े बड़े योद्धाओं पर नहीं हुआ, मैं उसको एक रात्रि में ही करके तेरे सामने ले आया। और जैसे ही पांचों सरों को दुर्योधन के सामने रखा, दुर्योधन आवेश में आ गया, एकदम क्रोध में भर गया। जो भीम की तरह दिखने वाला भीम का पुत्र था, उसी सर को उठाया कि ये भीम का सर है, बड़े आवेश में था। और जैसे भीम के पुत्र को भीम समझ करके उस सर को उठाया, पकड़ा और फोड़ना चाहता था, वो सर खरबूजे की तरह फूट गया। और जैसे ही खरबूजे की तरह वो सर फूटा, दुर्योधन कांप गया, भैया ये तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये पांचों पांडवों के धड़ सर हो ही नहीं सकते, तेरे से कोई भूल हुई है, ये सर भीम का हो ही नहीं सकता है जो खरबूजे की तरह फूट जाए। अब तो इतनी पीड़ा हुई, उस दुर्योधन ने कहा कि ये तो पांचों पांडवों के पांच पुत्र हैं जो तूने इनको बिना बात के ही मार दिया। अरे मेरा झगड़ा इनके इन पुत्रों से नहीं था, अरे हम 100 के 100 भाई मारे गए, हमारी संतति मारी गई, मैंने तो केवल इन्हीं के ऊपर अपना मुंह धो रखा था कि हमारे जाने के बाद कम से कम ये पांचों पांडवों के पांचों पुत्र हमारा पिंड दान कर देंगे, हमारा दाह संस्कार कार्य इत्यादि कर देंगे, और तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। दुर्योधन को बड़ा दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा हुई, वरदान था कि ज्यादा प्रसन्न होगा तब मृत्यु होगी और या ज्यादा दुखी होगा तब मृत्यु हो गई। सोचते सोचते उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही प्राणांत हुआ, हे सोनक जी महाराज, इधर अश्वत्थामा डर गया, अब मुझे पांचों पांडव छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे पांचों पांडव छोड़ेंगे नहीं। प्रातः कालीन बेला हुई, नगाड़े बजने लगे पांडवों के शिविर में, हम युद्ध जीत गए, अब तो हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी महाराज राजा बनेंगे। नगाड़े बज रहे हैं, बंदीगण आकर के जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा में खुशी का माहौल बन गया, अब तो हमारे बड़े भैया राजा बनेंगे। तभी एक सैनिक ने आकर के कहा कि मैं अभी अभी एक दृश्य देख करके आया हूं, इन बाजों को बंद करो, इन नगाड़ों को बंद करो, ये संगीत जो बज रहा है इसको बंद करो। तो किसी ने पूछा कि भैया तूने क्या देखा है, बोले मैंने अभी वो दृश्य देखा है कि उस दृश्य को देखने के बाद कोई दोबारा उस दृश्य को देखना नहीं चाहेगा। बोले तूने क्या देखा है, बोले मैंने अभी अभी पांचों पांडवों के पुत्रों के धड़ को देखा है, सर नहीं दिख रहे हैं। दूसरे जो सैनिक था उसने कहा कि तुझसे कोई तू बोल क्या रहा है, तेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, तू किसके शिविर में चला गया, कहीं भूल से कौरवों के शिविर में तो नहीं चला गया। तो सैनिक ने कहा नहीं भैया, देख जाकर के देख, पांचों पांडवों के पुत्र उनके धड़ तो पड़े लेकिन सर नहीं दिखाई दे रहे। और जैसे ही दूसरा सैनिक आया, दूसरे सैनिक ने आकर के देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ा, ये क्या हुआ। और जैसे कान में बात पहुंची उन पांचों पांडवों के, जो खुशी का माहौल था वो एकदम गम में बदल गया, जो खुशी के आंसू निकल रहे थे वो एकदम दुख के आंसू में परिणत हो गए, एकदम पांचों पांडव स्तब्ध रह गए। और जैसे ये बात द्रौपदी के कानों में पड़ी कि देवी तुम्हारे पांचों पुत्र मारे जा चुके हैं और पांचों पुत्रों के धड़ तो हैं लेकिन सर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसे ही सुना द्रौपदी ने मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। और जैसे ही मूर्छित होकर के गिरी, और क्यों भी ना गिरे,
एक पुत्र होता है किसी माँ के और अचानक अघटित घटना हो जाए, उसका पुत्र उसको छोड़ करके चला जाए तो वो उस दुख को झेल नहीं पाती। और जिस माँ के पांच पांच पुत्र एक साथ मारे गए हों और जिनका धड़ है सर भी नहीं है मुंह भी नहीं देख सकती, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। द्रौपदी मूर्छित अवस्था में पड़ी है, बार बार जल का सिंचन किया जाता है, जल के छींटे डाले जाते हैं, होश में आती है, फिर सुनती है कि मेरे पुत्र चले गए, फिर जाकर के मूर्छित हो जाती है। पूरा जो एकदम खुशी का माहौल था पूरा मातम में बदल गया, पूरी प्रजा का सर नीचे झुक गया। बार बार प्रभु आकर के समझाते हैं पांचों पांडवों को, लेकिन जिसकी संतान चली जाती है दुख तो उसी को होता है। यथार्थ सत्य है कि जितना माँ प्रेम अपने बच्चे को करती है उतना कोई और नहीं करता, उतने पिताजी भी प्रेम नहीं करते। कल मैंने आपको कथा बताई थी, सुनाई थी उस माँ की, वो कुरही की तरह विलाप कर रही है। हे सोनक जी महाराज, उसके आंखों के सामने धड़ तो पड़े हैं लेकिन सर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम उसका अंतिम बार मुंह भी नहीं देख पाए, वही हालत द्रौपदी की हो रही है। पांडव एकदम स्तब्ध हैं। तभी अर्जुन ने आकर के कहा द्रौपदी से, देवी तुम चिंता मत करो, मेरे गांडीव में इतनी ताकत है कि मैं मेरे पुत्रों को जिसने भी मारा होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे में इतना बल है कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। प्रातःकाल हुआ, पता लगा कि गुरु पुत्र ने हमारे साथ ये जघन्य अपराध किया है। अर्जुन भगवान को लेकर के उसको पकड़ने के लिए गए और जैसे ही पकड़ने के लिए गए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अनुसंधान कर दिया, बोले तुम मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हो। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन कांप गया कि प्रभु इसने तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या का अनुसंधान कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि भैया लोहे को लोहा ही काटता है, तुम भी अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र को चलाया लेकिन एक ऋषि ने आकर के दोनों को रोका, प्रभु आप क्या करा रहे हो, आपका अवतार हुआ है धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म रूपी दुर्योधन मारा जा चुका है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। भगवान के संकेत पर दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका, अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। जैसे ही द्रौपदी के चरणों में डाला वो द्रौपदी तो रुदन कर रही है, आंखों से अश्रुपात उसके हो रहे हैं, आंखों से गंगा यमुना बह रही है, बहुत सांत्वना देते हैं। कभी कोई आकर के सांत्वना देता, बहन कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, जो विधि ने जो जैसा रच दिया वो होकर के ही रहेगा। और जैसे ही उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में ला करके डाला, अर्जुन ने कहा कि देवी तुम आज्ञा करो इसके साथ क्या किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए। द्रौपदी ने जैसे ही गुरु पुत्र के मुख की तरफ देखा एकदम और आंखों से आंसू आ गए। अरे पांडवो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई न बदारहण। सुनो उवाच चांतस्य बंदनानयनम सती। हे पांचों पांडवों, इसको मत मारो, मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण पुत्र है और सबसे बड़ी विशेष बात है कि ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण के साथ साथ तुम्हारा गुरु पुत्र है। और वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। देवी, इसने हमारे पांचों पुत्रों को मार दिया है और तुम कहती हो कि छोड़ दो, एक बार नहीं दो बार इसको छोड़ दो। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हमारे साथ में गलत करे, क्या हम उससे बदला ना लें? कोई हमारे बच्चे के एक चांटा लगा देता है तो हम उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और द्रौपदी के पांच पांच पुत्रों को जिसने मारा हो, द्रौपदी उसके लिए कहती है इसको छोड़ दो। हे पांडु पुत्र, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? बोले नितराम गुरु, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, गुरु भाई है। और दूसरी बात, जिस दुख को मैं अब भोग रही हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि इस दुख से इसकी माँ भी पीड़ित हो, ये दुख उसकी माँ की आंखों के सामने भी आए। क्यों? क्योंकि गुरु जी का तो शरीर पूरा हो गया है, गुरु जी तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, मेरे पास तो भी मेरे पति हैं जिनके सहारे मैं अपने जीवन को जी लूंगी, लेकिन इसको मारने के बाद में जो गुरु माता है वो किसके सहारे जिएगी? इसलिए तुम इसको मत मारो। मुंचताम मुंचताम में सब ब्राह्मणो नितराम, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने कहा था, देवी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहा प्रभु क्या करना चाहिए? बोले ऐसे आताताई ब्राह्मण का भरी समाज में अपमान कर देना ही मृत्यु तुल्य होता है, इसका अपमान कर दो, इसको तेज विहीन कर दो, इसके सर को मुड़वा करके राज्य से निकाला कर दो इसका। बहुत से लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे में मणि थी, मणि का मतलब है तेज, जो ब्रह्म तेज होता है, ब्राह्मण का जो तेज होता है उसको नष्ट कर दो, तिलक मिटा दो, शरीर का मुंडन कर दो, सर का मुंडन कर दो और इसको राज्य से निकाल दो। बस जब जब इस अपमान को भरी समाज में हुए अपमान को ये याद करेगा तब तब इसकी मृत्यु होगी, इसको शरीर से मत मार। अर्जुन ने देरी नहीं की, ब्रह्म तेज माथे से हटा दिया, तिलक को माथे से मिटा दिया, मुंडन करा करके राज्य से निकाल दिया। लेकिन हे सोनकादिक ऋषियों, जैसे ही निकाला, कोई सर्प डंडे की चोट से बच जाए तो बदला लेने के लिए घूमता है, वैसे ही वो सर्प की तरह आवेश में आकर के सोचने लगा कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अभी तो इनके पांचों पुत्र मारे गए थे लेकिन मैं इनके वंश को निर्वंश कर दूंगा, मैं इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और पता है उसकी सोच कहां पर गई? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर। उसने सोचा कि इनके वंश में एक पानी देने वाला आ रहा है, मैं उस शिशु का, उस बालक का गर्भ में ही उसको मृत्यु प्रदान कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने फिर दोबारा से ब्रह्मास्त्र उस गर्भ पर चला दिया। मैं इन पांचों पांडवों को निर्वंश कर दूंगा, ऐसी मन में भावना जागी, ब्रह्मास्त्र चलाया। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आने लगा, उत्तरा ने सोचा कि शायद कोई अघटित घटना मेरे ऊपर घटने वाली है। अचानक गर्भ में अग्नि सी जलने लगी और सीधी हे सोनकादिक ऋषियों, पता है कहां गई दौड़ी दौड़ी? भगवान के पास में भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु पाहे पाहे महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहती है प्रभु मैं मिट जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो गर्भ में शिशु है उसकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। तो किसी ने कहा भैया ये भगवान के पास क्यों भागी भागी गई? ये अपने अपने ससुर के पास भी जा सकती थी, अन्य जो राज दरबारी थे उनके पास भी जा सकती थी, ये केवल भगवान के पास ही भागी भागी क्यों गई? तब किसी ने कहा कि भैया इसकी जो सासू है द्रौपदी, उसने इसको सुंदर उपदेश दिया है, बताया कि बेटी
भरे समाज में जब मेरा अपमान हो रहा था, दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, मुझे नग्न अवस्था में दुर्योधन की जंगा पर बिठाना चाहता था, मैंने पांडवों पांचों पांडवों के मुख की तरफ देखा कि शायद मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े वीर उस महफिल में बैठे थे, उस सभा में बैठे थे, भीम नकुल सहदेव द्रोणाचार्य दादा भीष्म बैठे थे। सभी से मैंने अपनी रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन मेरी किसी ने रक्षा नहीं की। और जब मैंने गोविंद को पुकारा, पुकारते ही भगवान ने मेरी लाज रख ली। इसलिए तू दुनिया के किसी भी कोने में मत जाना, केवल भगवान के सामने जाकर के माथा टेक देना, देरी नहीं लगेगी। क्योंकि दुआ जब दिल से होती है खुदा मंजूर करता है। जब हृदय से दुआ भगवान के प्रति निकलेगी, प्रभु मेरी रक्षा करो, वो दो शब्द भगवान सुनेंगे तो भगवान देरी नहीं करेंगे। तू सीधे जाकर के भगवान के चरणों में माथा टेक देना। और आज वही उत्तरा सीधा भगवान के चरणों में गई, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं भले ही मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाए, इस बालक को जन्म देने के बाद भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे शिशु पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पांचवों पांडवों का केवल यही इकलौता एक वंश वृद्धि करने वाला बालक रह गया है। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, और आज भगवान ने उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। हे ऋषियों, ये भारतवर्ष की एक अकेली ऐसी माँ है, किसी किसी माँ के गर्भ में केवल भगवान आते हैं, किसी माँ के गर्भ में केवल भक्त ही आता है, लेकिन ये उत्तरा भारतवर्ष की इकलौती माँ है कि इसने एक साथ भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा। ये भगवान की एक ऐसी इकलौती माँ है। भगवान ने सुंदर उस बच्चे की रक्षा की, रक्षा करने की चर्चा जैसे ही कुंती के कान में पड़ी, प्रभु आपने मेरे वंश को फिर निर्वंश होने से बचाया। आंखों में आंसू लेकर के भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपने हमारे वंश को निर्वंश होने से बचाया, समय समय पर प्रभु आपने हमारा साथ दिया। मैं अब तक आपको केवल अपना भाई का बेटा समझा करती थी, आपको अपना बेटा भाई का बेटा मान करके अपना भतीजा माना करती थी, लेकिन आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो जगतपति हो, जगत के नियंता हो। प्रभु मैं किन शब्दों में आपका आपकी वंदना करूं? नमस्ते त्वाद्यमीश्वरम, मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं? प्रभु बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, मेरे पास प्रभु शब्द नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं। आंखों में आंसू हैं कुंती के, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान सामने खड़े हैं हे ऋषियों। और जैसे ही भगवान की सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति की, तब भगवान ने कहा कि बुआ तुम मुझे भगवान मानती हो? तो कुंती ने कहा कि प्रभु अगर आप भगवान न होते तो क्या इतने बड़े संग्राम से आप हमारी कैसे रक्षा करते? अच्छा बुआ तुम मुझे भगवान मानती हो और इन सब का हेतु मुझे मानती हो, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले काम ये करो कि अगर आप अब मुझे भगवान मानती हो तो मुझसे कुछ मांग लो, मेरी कुछ देने की आपको इच्छा है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं आप मुझे अगर भगवान मानती हो तो। कुंती की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और मेरे सामने तो गोविंद आप सशरीर खड़े हो, फिर भी मैं आपसे क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं बुआ, अगर आप मुझे भगवान मानती हैं तो कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। तब हाथ जोड़ करके कहा गोविंद अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल मेरी झोली में एक ही वस्तु डाल दो, एक ही वस्तु डाल दो। क्या? बोले गोविंद अगर आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ डाल दो,
गोविंद ने सुना के बुआ कह रही है दुखों का पहाड़ मेरी झोली में डाल दो। बुआ तू कह क्या रही है? मैं भगवान हूँ और भगवान से तू दुख मांग रही है जो मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास दुख है नहीं वो तू मुझसे मांग रही है। अरे तूने जीवन भर तो दुख झेल, तेरा जन्म कहीं और हुआ, तू पली बड़ी कहीं, तेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ, श्राप लगाता कि पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो दुर्वासा जी के ऋषि, दुर्वासा जी ने जो मंत्र दे दिए थे उनकी उनकी कृपा से तेरे संतान हो गई। तू तेरे ऊपर इतने दुख, एक दुख नहीं हटा दूसरा दुख, तेरे बच्चों को जो इनके चाचा ताऊ हैं उन्होंने मारने के बड़े बड़े षड्यंत्र किए, बड़े बड़े षड्यंत्र किए, कभी लाक्षा गृह में जलाने का प्रयास किया, कभी 12 वर्ष का वनवास दिया, इतने दुख तूने झेले, अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकता हूं। विपदः संतुना सस्वत तत्र तात्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। गोविंद एक दुख खत्म ना हो दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, मैं दुख इसलिए मांग रही हूं कि जब जब मेरे दुख जीवन में दुख आएगा तो प्रभु आप मेरी आकर के रक्षा करेंगे, मेरी आंखों के सामने आप ऐसे ही बने रहेंगे, इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूं। भगवान ने कहा बुआ अब तो तुम्हें सुख मांगना था, शांति मांगनी थी, भक्ति मांगनी थी, प्रेम मांगना था, आप ये दुख मांग रही हो। तब कुंती कहती है प्रभु सुख के माते सिल पड़े जो हरि नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की में जो पल पल नाम जपाए। गोविंद मेरे जीवन में अगर दुख रहेगा तो तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब सुख आ जाता है तो व्यक्ति आपको भूल जाता है, आपको व्यक्ति थोड़ा सा सुख आने पर आपको विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, और मैं नहीं चाहती हूं कि मैं आपको भूलूं। दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कु होए, तो दुख काहे कु होए। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती स्तुति करती है प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, दुख ही मेरे जीवन में रहेगा तो आप मेरी आंखों के सामने रहोगे, आप मेरी आंखों के सामने रहोगे, केवल ये दुख ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में। सभी कहिए भगवान से मैं कैसे आऊं प्रभु, मेरा मुख आपके सामने आने लायक नहीं है, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके सामने आ जाऊं। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं प्रभु मुझे बता दो। सभी बड़े भाव से कहिए ठाकुर जी हमारा मुख ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने आकर के दुख निवेदित कर सकें, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करके हमें ऐसा वरदान दो कि आप हमारे सामने सदा सदा विराजमान रहें।
जानु कोई पूजल अज्ञानु मैं भगवन ना जानु कोई पूजल अज्ञानु मैं भगवन ना जानु कोई पूजल अज्ञानु मैं भगवन ना जानु कोई पूजल अज्ञानु मैं भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा आइए कुछ दानीदाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है भैयाओं श्रीमान कपिल शर्मा जी खुर्जा जंक्शन निवासी जो अपनी नेक कमाई में से 1101 रुपए का सहयोग दे रहे हैं भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें भगवान इनको 1000 गुना करके फल प्रदान करें श्रीमती भगवानी देवी जी माता श्री जो अपनी नेक कमाई में से 501 रुपए का सहयोग दे रही हैं भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें धन धान्य की वृद्धि करें इनके यहाँ पर सुख शांति बनी रहें ये 101 रुपए गुप्त दान महादान भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें ये फिर से 101 रुपए गुप्त दान महादान भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें धन धान्य की वृद्धि करें इनके यहाँ पर सुख शांति बनी रहे इन सभी दानदाताओं के यहाँ पर भगवान 1000 गुना करके फल प्रदान करें श्रीमती हमारी माता श्री रवि भैया जी की माता जी जो अपनी नेक कमाई में से 51 रुपए का सहयोग दे रही हैं भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें भगवान इनको 1000 गुना करके फल प्रदान करें और इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट और सभी माताओं से बहनाओं से भाई बंधुओं से सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें दान करें और दान करके पुण्य के भागीदार बने क्योंकि दान देने से कभी धन घटता नहीं है धन हमेशा बढ़ता है श्रीमान गोतीलाल शर्मा जी दीवा निवासी जो अपनी नेक कमाई में से 101 रुपए का सहयोग दे रहे हैं भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें धन धान्य की वृद्धि करें इनके यहाँ पर सुख शांति बनी रहे इनके लिए भी एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट और सभी से मैं निवेदन करूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग करें दान करें क्योंकि दान से बढ़ करके कोई भी दान नहीं है इसलिए कलयुग में सहारा रह गया है तो दान का सहारा रह गया है इसलिए सभी थोड़ा थोड़ा करके सभी दान करते रहें सहयोग करते रहें और हमारे यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं जो कोई भी यहाँ पर दान करना चाहते हो तो दान लिखाएं
क्योंकि भागवत में दान करने से हजार गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए सभी थोड़ा थोड़ा करके दान करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए आप लोग शांति व्यवस्था बना करके कथा श्रवण करेंगे। परम पूज्य व्यास जी, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के वंदनों से, माया के वंदनों से अब मोक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मनों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं पापी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित पापी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित पापी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित पावन। सभी कहिए भगवान से, प्रभु हम इतने बड़े पापी हैं और आप हमको पावन करने वाले हैं। अरे अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल दुख ही दुख दे, क्योंकि दुख अगर मेरे जीवन में होगा तो प्रभु मेरे सामने आप ऐसे ही खड़े रहोगे मुरली बजाते हुए और हर कदम पर मेरे बच्चों की रक्षा करते हुए, यही मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि बुआ मैं दुख तो दे नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं वो कहाँ से आपको देगा। भाई अस्पताल में जाकर के अगर आप विद्यालय की बातें करोगे, अस्पताल में जाकर के किताबें खरीद करके लाओगे तो क्या अस्पताल में किताब मिल जाएंगी? वहां तो केवल आपको दवा मिलेगी। हुआ ये संसार दुखालय है, यही केवल दुख मिलता है। मेरे पास तो दुख का लेस मात्र भी नहीं है, जो मेरे पास है ही नहीं मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना वरदान दे सकता हूँ कि ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है आपका मेरे प्रति, ये सदा सदा आपके हृदय में ऐसे ही बना रहे। भगवान ने सुंदर भक्ति का वरदान बुआ को दिया। एक दिन अचानक भगवान बैठे हुए थे, भगवान ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, मुख उदास है। भगवान ने कहा कि बड़े भैया क्या हुआ, कैसे आप उदास रहते हो? अब तो आप राजा भी बन गए, राजगद्दी मिल गई, आपका जो वंश नष्ट होने वाला था उसकी भी रक्षा हो गई, अब तो आपको प्रसन्न होकर के राज्य करना चाहिए, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो युधिष्ठिर जी ने कुछ नहीं कहा, बोले कोई बात नहीं बस ऐसे ही। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो भगवान को बालक के रूप में देखते हैं। बोले इसको मैं क्या बताऊं कि मैं किस बात से परेशान हूं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। बोले ये तो मेरा मेरे मामा का बेटा है, मेरा छोटा भाई है, भगवान तो जानते हैं, अंतर्यामी हैं कि भैया को मोह हो गया है। किस बात का मोह हो गया? कि पूरी प्रजा में इनके बारे में सोचती है कि इन्होंने राज सत्ता के लिए अनेक अनेक सैनिकों का वध करा दिया,
अनेक अनेक माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया, अनेक अनेक बच्चों के माते से बाप का साया छिन गया, इसलिए इनको मोह गया है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरे मन में लालसा न होती कि मैं राज्य का अधिकारी बनूं, राजा बनूं, तो ये सब नहीं होता। अपने आप को ये सब कुछ मानने लगे हैं। तो भगवान ने सोचा कि एक काम करूं, मैं अगर इनको समझाऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। एक काम और है क्या कि अभी दादा भीष्म बाणों की सैया पर बैठे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, एक एक अंग में उनके हजारों हजारों बाण लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भगवान के अंतिम दर्शन हो जाएं। जब मैं उत्तरायण, सूर्य जब उत्तरायण आ जाए तो मैं भगवान के दर्शन करके अपनी आंखों को विश्राम कर लूं, बंद कर लूं। ऐसा सुंदर उनका भाव है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। भीष्म दादा सोचते हैं कि मेरी अंतिम आंखों के सामने, अंतिम समय में मेरी आंखों के सामने भगवान बैठे हों, भगवान खड़े हों, भगवान की कोई ना कोई छवि मेरे सामने रहनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं द्वारका चला गया तो मुझे लौट करके फिर आना पड़ेगा। और युधिष्ठिर को मोह हो गया है, अगर मैं इनको समझाऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे छोटा मानते हैं, और छोटा अगर बड़े को समझाए तो कहते हैं तो बालक है, इसकी बात का क्या अच्छा मानना या क्या बुरा मानना। तो जो मेरा समझाना है, मेरा जो उपदेश है, इनके माथे पर नहीं चढ़ेगा। फिर बोले मैं भीष्म पितामह के द्वारा इनको समझवाऊंगा। सभी को लेकर के पांचों पांडवों को, परिकर को लेकर के भगवान आज सीधे भीष्म पितामह के पास पहुंचे। और जैसे भीष्म पितामह के पास पहुंचे, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। हे पितामह, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह ने सुना कि पांचों पांडव आए हैं, साथ में ठाकुर जी भी आए हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद, मैं गर्दन को इधर उधर नहीं कर सकता हूं। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा फिर मैं क्या करूं, हे पितामह मैं क्या करूं। बोले एक काम करो कि आप मेरी आंखों के सामने आकर के खड़े हो जाओ। ऐसा कोई है जो भगवान से कहे कि आप मेरी आंखों के सामने खड़े हो जाओ? भगवान भीष्म पितामह की आंखों के सामने आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान की उस दिव्य छवि को देखा, भीष्म पितामह ने उस छवि को अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में, हृदय कमल पर विराजमान कर लिया। तब कहा कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? तब कन्हैया ने कहा कि बाबा आपके नाती को मोह हो गया है, ये मोह के बंधन में पड़ गए हैं, इनके मोह को दूर कर दीजिए। तब भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर बहुत सुंदर उपदेश दिया। हे युधिष्ठिर, क्या भगवान कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं? क्या आपको मोह हो गया है? तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि बाबा हाँ, मुझे मोह समझो या मेरी मति समझो या मेरे विचार समझो, क्योंकि इन सब का कारण मैं ही हूं। अगर मुझे राज्य की अभिलाषा न होती तो जो आज दृश्य में देख रहा हूं, आप बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, वो दृश्य में इन आंखों से कभी जीवन में न देखता, ये मेरे कारण ही तो हुआ है। भीष्म पितामह मुस्कुराए, भैया एक बात बता, तूने कभी घने आकाश को देखा है? बोले हाँ। अच्छा, आकाश में, आसमान में तूने बादलों को इकट्ठे हुए देखा होगा? बोले खूब देखा है। कभी कभी तूने देखा होगा कि बादल इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अलग अलग भी हो जाते हैं? बोले हाँ हो जाते हैं। तो एक बात बता भैया, इस कार्य को कौन करता है? बोले इस कार्य को पवन देव करते हैं, इकट्ठा करना उनका काम है और अलग अलग बिखेर देना भी उनका ही काम है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भैया, जन्म और मरण का क्या तूने ठेका ले रखा है? जब बादलों को इकट्ठा करने का काम पवन देव का, बादलों को हटाने का, दूसरे स्थान पर भेजने का काम पवन देव का है,
तो क्या तूने इन सब का ठेका ले रखा है कि इन सब का मैं ही कारण हूं? तब युधिष्ठिर ने कहा कि बाबा आपका उपदेश मेरी समझ में आ गया, और तब इशारा करके कहा कि देख ये जो सामने मेरे खड़े हैं ना मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये कौन है? बोले भुवनेश्वर काल हूं कर काला, ये काल को भी कालत्व प्रदान करने वाले हैं, हर ही हरता शिव ही शिवता, ये जो सामने खड़े हैं ना कोई साधारण नहीं है, हरि को भी हरता ये प्रदान करते हैं, विधि को विधता, ब्रह्मा को भी ब्रह्मत्व ये प्रदान करते हैं, शिव ही शिवता जो दई सोई जानकी पति मधुर मूरत मोदमयी मंगलमयी। शिव जी को जो शिवता मिली है, श्रृंगार करने की जो शक्ति मिली है ये इन्हीं के द्वारा मिली है, ब्रह्मा को जो सृजन करने की ताकत मिली है ये भगवान की कृपा से मिली है, ये कोई साधारण नहीं है। और देख भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, ये जो सामने खड़े हैं थोड़ी सी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, इनको तू भाई मत समझ, ये सब इनके संकल्प से हुआ है। तू अगर सोचता है तो ये तेरी मूर्खता है। क्यों? सारद को गान बीन, वीर अर्जुन को बाण, और बीड़ा की तान मुनि नारद को सोर है। भीम पहलवान ज्ञानी ज्ञान सुखदेव जी को, गोपिन के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जोर है। भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसे को शक्तशालियों में बजरंगी सिर मोर है। शारदा को जो गाने की ताकत दी, गाने का जो वरदान मिला ये इन्हीं की कृपा से। अर्जुन के बाण में जो ताकत आई वो इन्हीं की कृपा से। बीणा की तान नारद जी जो गुणगान करते हैं वो इन्हीं की कृपा से। देव दत्ता मिमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज से कि ये जो बीणा देख रहे हो ना ये कोई किसी कारीगर ने बना करके नहीं दी है, या मैं किसी मार्केट से खरीद करके लाया हूँ। बोले फिर ये देव दत्ता मिमाम बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो बीणा है ना ये नारायण ने मुझे प्रदान की है, ये कोई साधारण बीड़ा नहीं है। और मुनि नारद को सोर है भीम पहलवान। अगर भीम खुद सोचे कि मुझ में 10,000 हाथियों का बल है तो उसकी मूर्खता है। ये बल भी ठाकुर जी के द्वारा दिया गया है ज्ञानी ज्ञान सुखदेव जी को। सुखदेव जी अगर उन श्लोकों को न सुनते तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाते। भक्ति प्रहलाद ध्रुव जैसे की, भक्ति प्रहलाद जी की और ध्रुव जी महाराज की, सख्त सालियों में बजरंगी सिर मोर है। जो हनुमान जी को बल मिला है, अतुलित बल धामम हैम शैला बदेहम धनुज मन कृषानम ज्ञान नामग्र गण्यम, सबसे आगे अतुलित बल धामम, अतुल बल के धाम है, बल्कि कोई था नहीं है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। ज्ञानी नामग्र गण्यम, चलो बल तो मिल जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। अतुलित बल धामम हैम शैला वदेहम धनुज बन कृषानम ज्ञान नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम, बानरों के राजा है। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, बोले हनुमान जी महाराज की जय। शक्तशालियों में बजरंगी सिर मोर है, लेकिन पायो प्रशंसा सब एक की बदौलत, करो कोई लाख लेकिन करिया कोई और है। कोई अपने आप को करता धरता कितना भी मान ले कि मैं कर रहा हूं, मैं ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो नहीं भैया ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये उसकी कृपा है जब उसकी वजह से हो रहा है। और मैं खुद सोचूं कि मैं अपनी मर्जी से ये कथा कह रहा हूं, नाना जो भगवान मेरे दिमाग में जो शब्द भेज रहा है मैं वो आपको सुना रहा हूं। अगर कोई सोचे कि ये सब हमारी मर्जी से हो रहा है, हम अपनी मर्जी से सुन रहे हैं या मर्जी से कह रहे हैं, तो ये हम सबकी मूर्खता है। करो कोई लाख लेकिन करिया कोई और है, ये कोई साधारण नहीं है।
सुंदर उपदेश दिया महाभारत के शांति पर्व में, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सव्यास योगत धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मने। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेट करके राज धर्म का, दान धर्म का, मोक्ष धर्म का बड़े सुंदर सुंदर उपदेश युधिष्ठिर को किए। वैराग्य कैसा होना चाहिए, शमशान वैराग्य होना चाहिए या मरकट वैराग्य होना चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया। दान देने का धर्म क्या है, वो दादा भीष्म ने सबको समझाया। धर्मार्थ कैसे करना चाहिए, वो सब समझाया। नाना ख्याते सिहाते सुवर्ण यास तत्वित। और सुंदर जब ज्ञान मिला बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पिता के मह के मुखारविंद से, युधिष्ठिर का पूरा मोह दूर हो गया। बोलो राधे राधे, पूरा मोह दूर हो गया। तब भीष्म पितामह ने कहा कि भैया कोई और परेशानी हो तो उसे भी बता, उसे भी दूर कर दूंगा। तब कहा कि नहीं पितामह, अब मेरे अंदर कोई शंका नहीं है। बोले अब किसी को कोई पूछना तो नहीं है, बोले अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं अपने प्रभु से केवल दो बातें करना चाहता हूं। प्रभु सामने खड़े हैं, आप सोचिए जब हमारा अंतिम समय हो और अंतिम समय में हमारे अपने, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपने नसीब नहीं होते, अपनों के कंधे नसीब नहीं होते, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, कम से कम उन्हें चार कंधे नसीब तो हो जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, भगवान सामने हैं, हमारे अपने हमारे सामने हो और हम उनको क्या समझाते। एक बड़ी सुंदर कथा है, रोचक कथा है कि एक बाबा थे। अब बाबा का अंतिम समय, लंबी लंबी बाबा सांसें ले रहे थे, बड़ी लंबी लंबी। पड़ोसियों ने फोन कर दिया, सुनो तुम्हारे बाबा जाने वाले हैं, आ जाओ जल्दी। अब पांचों बहू पांचों बालक आकर के सामने खड़े हो गए। बोले ठीक है। अब बाबा लंबी लंबी सांसें ले और बार बार इशारा करे दीवार की तरफ, बार बार इशारा करे। पांचों बहू एक तरफ, पांचों बेटे एक तरफ, बीच में खुद पड़ा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अब बार बार दीवार की तरफ इशारा करे। एक बहू बोली, मुंह तो ऐसा लगे कि कछू ये बता रहे हैं कि इस दीवार में कुछ छिपा हुआ है, लेकिन बोल नहीं पा, मैं हवा अंदर से आए तभी तो कुछ बोले, सांस लें लेके इशारा कर दें फिर हाथ नीचे आ जाए। अब तो और लंबी लंबी सांसें लेने लगे तो जो बीच बारी बहू ही बोली, जी जी वो तो ऐसा लगे कि बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने धन संपत्ति कमाई वो याद इधर की तरफ शायद गड़ रही है कि दीवार में जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो दीवारों में है? मैंने देखा था कच्ची कच्ची दीवारें होती हैं बहुत, उनमें देखते हैं तो बहुत अंदर सामान पहले बुजुर्ग रख दिया करते थे, तो वो तो ऐसा लगे कि इनने कोई संपत्ति यहां में रखी है। लेकिन ये बोल क्यों ना रहे। तभी क्या हुआ, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। और डॉक्टर तो थैला लेके बैठे, बस बुलावे तो सही, हम तो तैयार बैठे। और जैसे ही डॉक्टर साहब थैला लेकर के आए, बोले क्या बात है, बोले सांस तो ले रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं। छोटी वाली बहू बोली, सुनो इशारा तो कर रहे हैं और अगर नहीं निकला कुछ तो क्या करोगी। तो बड़ी वाली बोली, अरे सुबह सुबह बोल, अगर निकल आए 1 करोड़ है, कोई असर भी, कोई सोने की चीज अगर निकल आई तो। बोले सही कह रही है, पहले बड़े बूढ़े ऐसे ही होते थे, बांधी पोटली गाड़ दिया, और पुराना सोना तो पुराना ही होता है, कहते ना पुराने चावल बड़े भार होते हैं महाराज, इन्होंने अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ कहीं छुपा दिया हो। बोले 1 करोड़ निकल आए तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ये बताओ इंजेक्शन कितने का है। बोले 10,000 रुपए का।
बोले 10,000 रुपए का है, निकल आए तो 20-20 लाख रुपए, और ना निकले तो 2-2 हजार रुपए इंजेक्शन में पड़ जाएंगे। वहां भी बंटवारा चल रहा है। दूसरा व्यक्ति मृत्यु पर, मृत्यु के आने का इंतजार कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए बांट लेंगे। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिया, महाराज इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे ही इंजेक्शन ने अपना असर शुरू किया, हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे, सर भी हिलने लगा। अब तो शरीर में जैसे ही चेतना आई, मुंह खुला, और पांच बहू इधर हैं, पांच बेटे हैं, उधर इशारा करके बोले, अरे मूर्खों देखो, वो दूर गाय खड़ी खड़ी मेरी कमाई हुई झाड़ू को चबाए जा रही है, और तुम मेरा यहाँ पे मुंह ताक रहे हो। इतना ही कहकर के मुंह बंद, गोविंदाय नमो नमः। जो बड़ी तो छोटी बोली ले ले, 1 करोड़। तो मरना ऐसा नहीं होना चाहिए, मरना ऐसा होना चाहिए, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही गीत तन नात त्यागू, गोविंद दामोदर माधुमेती, गोविंद दामोदर माधुमेती। यही गीत गाता हुआ मैं प्रभु प्राणों को त्यागू, और कुछ नहीं है। किसी ने कहा, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, ये तन है, ये तन की मति है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु वो छवि आज भी मेरी आंखों में बसी हुई है। कौन सी? जब मैं बाण पर बाण अर्जुन पर छोड़ रहा था, अगले पल अर्जुन को लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगला बाण मेरे अगर शरीर में लगा तो मैं मर जाऊंगा। प्रभु आपसे रहा नहीं गया, आपने कहा था युद्ध शुरू होने से पहले कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन मैंने भी प्रण कर लिया था कि अगर आज भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं। मैंने प्रभु अर्जुन के ऊपर बाण पर बाण, बाण पर बाण छोड़े, और मुझे पता है कि कुछ बाण आपके शरीर को भी लगे, आपको भी लगे प्रभु, लेकिन आपका प्रण था कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा प्रण था कि मैं प्रभु आपसे अस्त्र उठवा करके रहूंगा। प्रभु जब मैं बाण पर बाण छोड़ रहा था तो आपको कुछ और नहीं दिखा, वो रथ का पहिया, उसी को उठा करके आप मुझे मारने के लिए दौड़े थे, और वो छवि बड़ी दिव्य छवि मेरी आंखों में बस गई। कोई शेर जब श्यार का शिकार करता है बड़े वेग से, वही उस छवि में था। आपका पीतांबर गिर पड़ा, भयंकर आवेश में आपने रथ के पहिये को उठाया, और लगा कि आप अगले पल मेरा मेरा उद्धार कर देंगे। वो दिव्य छवि आपकी मेरे हृदय में बस गई। वापट पीत की फरहान कर धर चक्र चरण की, धाबन नहीं बिसरत वह बाण, मानो सिंह सैल से उतरियो महामत गज जान। जैसे कोई शिकार करने के लिए अपने शिकार के ऊपर दौड़ता है, प्रभु आप कितने दयालु हो, मैंने आपको इतने तीर मारे, इतने तीर मारे, और आप अंतिम समय में मेरा मनोरथ सिद्ध करने के लिए आए हो। प्रभु आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता, और ये यथार्थ सत्य है, भगवान से बड़ा कोई दयालु है भी नहीं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो दयालुता आपके ऊपर दिखाए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी दया आपके ऊपर दुनिया वालों ने कर दी तो वो सोचेगा कि मैं तो बहुत बड़ा अमीर हूं, मैंने उसकी इस तरह से सहायता की, सहयोग किया। लेकिन भगवान ने आज तक जिस जिसका भी सहयोग किया, सहायता की, उद्धार किया, भगवान ने कभी गाया नहीं। दुनिया वाले करने के बाद बहुत गाते हैं, वो हमने उनके साथ ये किया, हमने उनको ये दिया, लेकिन प्रभु ने कभी गाया नहीं, प्रभु ने कभी नहीं गाया। भगवान ने कहा
मैं मानता हूं कि आपने बाण चलाए, लेकिन भीष्म पितामह पता है क्या ब्रह्मा की ताकत है कि वो मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा सके? क्या शंकर जी में इतना बल है कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा सके? तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु फिर आपने अपनी प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ा? बोले, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को कहां तोड़ा, मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब होड़ लगी मेरे भगतन में, तब मेरी वहां कुछ भी न चले, मुझ में और मेरे भक्तन में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले, यह प्रेम का पंथ निराला है, इस पथ पर कोई चल निकले, मेरी मर्यादा टले तो टले, पर मेरे भक्त का मान कभी न टले, पर मेरे भक्त का मान कभी न टले, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, अपना मान गाइए सभी, भले ही कहे भक्त का मान ना टलते देखा, जिनकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को प्रभु जी पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते, सौ सौ बार मचलते देखा। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म, इतनी किसी में ताकत नहीं कि मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दे, वो तो मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा रखने के चक्कर में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, किसी में ताकत जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दे? भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। और अंतिम प्रणाम जब भीष्म पितामह निवेदन करते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, प्रभु आओ प्यारे मनमोहन पलक झांप तो लूं, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दूं, ना तो है देखन दूं, प्रभु केवल अब मैं अपनी श्वासों को विश्राम देने जा रहा हूं, और मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप देखो बहुत चंचल हो, आप एक जगह स्थिरता से खड़े नहीं हो सकते हो, जब भी खड़े होते टेढ़े होते हो, देखते भी हो टेढ़े देखते हो, आपका देखना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खाना टेढ़ा, सब काम आप टेढ़े करते हो, लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, बस जब तक प्रभु मेरी आंखें बंद नहीं होती, टकटकी लगा करके आप मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझे इस रूप माधुरी का अमृत पान कराते रहो। कृष्ण एव भगवती मनोभाग दृष्ट वृत्वी आत्मन्यात्माना मावेश्य सोत स्वासो पारमत। जब तक मेरी सांसें बंद नहीं हो जाती तब तक आप मुझे देखते रहो, ऐसा कोई कह सकता है भगवान? किसने कहा? दादा भीष्म ने कहा। अंतिम समय में हम अपनों को देखते हैं,
अपनों को, अपनों की बड़ी याद आती है। अरे देखो मेरे जाने के बाद या छोटे को का होगो, है नेक इकट्ठे और कर चल तो या गलती ते पेंशन और मिल रही हो, फिर तो छोटो वालों भी सोचे के बाबा भाई तो पेंशन मिल रही है, खूब बादाम का हलवा अदोटो दूध। भैया जितनी श्वासें ऊपर से मिली हैं बाबा को उतनी श्वासें लेंगे, न एक कम लेंगे न एक ज्यादा लेंगे। सबके मन में होती है और कुछ कर चलते, अंतिम श्वास पर उस बाबा को झाड़ू की पड़ रही है, देखो गाय झाड़ू चबाए जा रही है। और यही उस बाबा का हाल नहीं है, हम सबका हाल है। हम सबको ये नहीं पता है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, कब हमारी श्वासें बंद हो जाएं, किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी सोएंगे रात्रि में तो पूरे दिन दूसरे दिन का प्लान बना करके सोएंगे, इतने बजे यहाँ, इतने बजे ये काम, इतने बजे ये, उससे मिलना है, उसको ये काम कराना है, उससे ये बात करनी है, बड़े तरह तरह के प्लान बना करके बैठ जाएंगे। और गलती से अगर लैंडर गिर पड़ा तो सब प्लान दब जाएंगे महाराज, वहीं की वहीं, फिर नहीं वो प्लान निकल करके आ रहे, जितने भी तुम्हारे कार्यक्रम बने हुए थे सब वहीं की वहीं लैंडर के नीचे दब जाएंगे। लेकिन व्यक्ति सोचता बहुत है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे भैया हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला तो कोई और। भीष्म पितामह प्रभु को देखते हैं और प्रभु भीष्म पितामह को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया सौनक जी महाराज, और एक आत्म ज्योति निकली जो ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। उत्तरायण सूर्य जैसे उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भी अपने आप को उत्तरायण कर दिया, क्योंकि भगवान का नाम भी एक उत्तरायण है, क्योंकि भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए पहुंचे थे। और जब भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए तो एक तरह से आप जब पढ़ोगे भगवान श्री कृष्ण के सहस्रनामावली में तो भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है, यानी ये उत्तरा के भी पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि गर्भ में वही आता है माँ के जो माँ का बेटा होता है। सुंदर आज भीष्म पितामह का उत्तरायण हुआ, पांडव रोने लगे, चले गए बाबा चले गए, अरे भैया बाबा तो चले गए अब रो क्यों रहे हो, अब तो केवल प्रसन्नता से इनका शरीर के साथ जो क्रिया आपको करनी है वो क्रियाएं करें। और भगवान ने समस्त क्रियाएं करा करके, अब देखो भीष्म पितामह के सामने भगवान अंतिम समय में रहे और अपने हाथों से पांचों पांडवों के साथ समस्त क्रियाओं को कराया, दाह संस्कार। वो भीष्म पितामह कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो उनके शरीर पर भगवान ने अपने हाथों से लकड़ी रखी होगी, चंदन लगाया होगा, अग्नि दाह संस्कार कराया होगा, शायद वो क्षण हम सबके सामने आ जाए, आंखों के सामने कम से कम भगवान बाद में कोई हमारे ऊपर एक लकड़ी भी रख दें। लेकिन ये नसीब कहां होता है, हम तो अपनी मैं में रहते हैं भैया, वो मैं तो दक्ष के भी काम नहीं आई, भगवान शंकर जी को गाली दे रहा था, मैं राजा प्रजापतियों का मैं राजा, और इसने मेरा सम्मान नहीं किया। सम्मान और अपमान आज की बात नहीं है, बोले बाबा सत्युग की बात। दक्ष ने कहा इसको मैंने अपनी बेटी दे दी, ये मेरा बेटा है, और मेरे आने पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं राजा, मैं प्रजापतियों का राजा मालिक। भोलेनाथ ने कहा कि भैया तू अब मैं ही मैं कर, सर काट करके बकरे का सर छोड़ दिया, अब कर मैं। उसके बाद में भगवान अर्जुन को लेकर के, पितामह का उत्तरायण हो गया, अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका पहुंचे। हे सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, इसके बाद में पीछे से परीक्षित का जन्म हुआ, और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ परीक्षित चारों तरफ परीक्षण करने लगा कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है, चारों तरफ परीक्षण करने लगा। और जैसे ही परीक्षण करने लगा तो संतों ने नाम रख दिया परीक्षित, वैसे परीक्षित का नाम है विष्णुराज। क्या नाम है? विष्णुराज। परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित रख दिया।
स एष लोके विख्यात परीक्षति यत प्रभु गर्वे दृष्टमनुध्यान परीक्षेद नरेश्वरः। परीक्षण करने के कारण परीक्षित रख दिया। परीक्षित थोड़े बड़े होने लगे और जैसे थोड़े बड़े होने लगे पांडव सुंदर शिक्षा देने लगे, भैया जो शरण में आ जाए उसका कभी अपमान मत करना, अगर शत्रु भी एक बार शरण में आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना, आए हुए अतिथि का कभी अपमान मत करना और किसी संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, जितना हो सके धर्मार्थ के कार्यों में लिप्त होना, किसी भी प्रजा में किसी भी व्यक्ति को दुख मत देना। समय समय पर सुंदर उपदेश देते हैं। एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर चारों भाई, क्योंकि अर्जुन तो द्वारका में थे, चारों भाई बैठे थे, साय का समय था, सामने से विदुर जी आ गए, क्योंकि विदुर जी युद्ध से पहले चले गए थे, बोले भैया मैं तुम्हारे युद्ध में नहीं रहूंगा। और जैसे ही विदुर जी आए युधिष्ठिर ने खड़े होकर के स्वागत किया, चाचा जी आप आए, आपने बड़ा सम्मान, हमारे सम्मान को आप ग्रहण करें। सुंदर पाद प्रक्षालन किया, सुंदर अंदर जाकर के आसन पर विराजमान करके कुशल क्षेम पूछी। तब कहा कि आप कहाँ चले गए थे, तो कहा कि भैया मुझे तुम्हारे युद्ध में न रहना था न देखना था, क्योंकि मैं अपनों को अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं नहीं रुका। पूरा वृतांत युधिष्ठिर जी ने जब बताया विदुर जी को तो कहा कि केवल ताऊ और ताई जी दोनों रह गए, धृतराष्ट्र और गांधारी केवल दोनों रह गए, बाकी पूरा कौरव वंश खत्म हो चुका है। तब विदुर जी मिलने के लिए गए और जैसे ही मिलने के लिए गए धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हुई, देखो ताऊ ताई के बालक हो और अपने चाचा के बच्चों से द्वेष करते हो, कोई अघटित घटना घट जाए और ताऊ ताई का वंश खत्म हो जाए तो क्या ताऊ ताई को छोटे भाई के बच्चों के पास रहना चाहिए जो द्वेष करते थे, जो एक वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास, लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास, हर पल मारने का प्रयास जिन्होंने किया हो, क्या ऐसे रहना चाहिए? नहीं ना। लेकिन विदुर जी ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है, अरे एक बार भी आप दुर्योधन से कह देते कि बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे छोटे भाई के पुत्र हैं, संतान हैं, इनके साथ ऐसा मत करो, लेकिन आप तो पुत्र मोह में पड़े हुए थे, आपकी बाहर की आंखें तो वैसे ही, बाहर की आंखों से तो वैसे ही आप अंधे थे, आपकी पुत्र मोह में अंदर की आंखें भी बंद हो गई, क्योंकि दो आंखें बाहर की दो अंदर की भी तो होती है ना, माताएं कहती हैं कि तेरे हिये की फूट गई है, ये माने जो दो आंखें अंदर होती है, तेरे हिये की भी फूट गई है। तो विदुर जी ने कहा कि अगर तुम एक बार कह देते तो ये ऐसा संग्राम ना होता, लेकिन आप तो पुत्र मोह में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को समझाया, भैया देखो अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उस अंग के खराब होने पर अगर पूरे शरीर को परेशानी हो रही तो उस अंग को डॉक्टर काट देते हैं, उंगली खराब हो जाए, हाथ में नुकसान होने वाला है तो डॉक्टर उंगली को काट देता है। विदुर जी ने विदुर नीति में बड़ा सुंदर समझाया है कि भैया अगर मोहल्ले में कोई खराब घर खराब हो, कोई चरित्र से खराब हो या कोई वाणी से खराब हो तो उस घर का त्याग कर देना चाहिए, गांव में कोई घर हो उसको घर का त्याग कर देना चाहिए, नगर में अगर कोई गांव हो तो, तहसील में कोई गांव हो तो उस गांव का ही परित्याग कर देना चाहिए। बड़ा सुंदर समझाया है। ऐसे ही ये तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है, ये कलयुग का रूप लेकर के पैदा हुआ है, ये जो दुर्योधन है ये अधर्म का रूप लेकर के आया है, इसलिए आप अपने बेटे का त्याग कर दो। और जैसे ही धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन का त्याग कर दो, दुर्योधन सुन रहा था, क्या कह रहे हो, हमारे पापा के कानों को भर रहे हो, खबरदार अगर मेरे राज्य में रहने की इच्छा जताई तो प्रातः काल होते ही निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि विदुर जी दासी पुत्र थे, निकल जाओ यहाँ से। तो विदुर जी ने सोचा कि इससे ज्यादा और मेरा अपमान क्या हो सकता है। विदुर जी उसी रात्रि को छोड़ करके चले गए। भैया
आज वही दिन धृतराष्ट्र को याद आने लगे। देखो जिन बच्चों को तुमने कभी देखा नहीं, आज वही बच्चे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें अन्न पानी दे रहे हैं, तुम्हारे सर पर छत दी है। एक बड़ी सुंदर राजस्थान की घटना है। दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, विशेष प्रेम था दोनों भाइयों में। दोनों भाई एक दूसरे के बिना न खाते थे न पीते थे, जहां भी जाते साथ साथ जाएं, खेलें साथ में, पढ़े साथ में। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए, समय आने पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद दोनों का विवाह अलग अलग जगहों से हुआ, और जैसे ही जिस दिन से विवाह हुआ, उन दोनों की पत्नियों में मनभेद हो गया। मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन मन में मनभेद हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। मतभेद को समझा करके समझाया भी जा सकता है, लेकिन मन में भेद हो जाए तो फिर कितना भी समझाओ समझ नहीं सकता है। दोनों पत्नियों में मतभेद हो गया, धीरे धीरे दोनों के संतान हुई। संतानों के मन में दोनों माओ ने जहर भर दिया कि तुम्हारे ताऊ ने हमारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ ऐसा किया, जबकि कुछ नहीं किया, लेकिन मन में जहर भर दिया। और जो संतानें हुई उन संतानों के अंदर कि ये ऐसे थे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब तो दोनों की संतानें एक दूसरे का मुंह भी ना देखे, जहां दिख जाए बस मार कुटाई शुरू। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने परिवार को एक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, एक न चली, एक भी नहीं चली। धीरे धीरे अंतिम समय आया, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। और जैसे ही बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो जो छोटे भाई के बच्चे थे उन्होंने कह दिया, खबरदार जो अपने भाई में तुम दो कंडे लगाने के लिए भी गए थे, एक लकड़ी का टुकड़ा भी आप अपने बड़े भाई की अर्थी में दाह संस्कार में नहीं लगा सकते। अब जो छोटा भाई था वो इतना रोए महाराज, इतना रोए, अरे कम से कम कुकू तो अंतिम समय में तो मेरे मुझे मेरे भाई के दाह संस्कार में हाथ लगा लेने दो, एक लकड़ी का टुकड़ा ही लगा लेने दो, कम से कम ये तो नहीं होगा कि भाई के होते हुए कोई अन्य और लोग कंधों पर रख करके ले जा रहे हैं, और लोग कंधों पर लेकर के जा रहे हैं। और पता है छोटे भाई के पुत्रों ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक इनकी तेरहवीं नहीं हो जाती तब तक इनको कमरे से बाहर मत निकलने देना। 13 दिन उस भाई छोटे भाई के लिए 13 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बराबर बीतने लगे, हर पल हर क्षण, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर सुनते ही नहीं है। अंतिम समय वे भैया चले गए, मेरा भी अंतिम समय है। जिस दिन 13वीं हुई और जो प्रसाद वितरण हो रहा था, तो पूरा गांव प्रसाद खा करके चला गया। और जैसे ही प्रसाद खा करके पूरा गांव गया, तो बच्चों ने सोचा, छोटे वालों ने, कि अब तो पूरा गांव प्रसाद खा गया है, अब कमरे से बाहर निकाल दो। तो जैसे ही कमरे से बाहर निकाला, और शाम के समय जो अन्य समाज होता है कह देते हैं भैया भोजन करने के लिए आ जाओ, भोजन बचाए भोजन ले जाओ, तो जो समाज बैठा था शाम के समय, तो वो जो छोटा भाई था वो आकर के उन अन्य समाज के साथ में आकर के जहां जूता चप्पल उतरे हुए थे वहां करके वो बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा, बैठ करके पत्थर डाली किसी बाहर के व्यक्ति ने, दोना रखा, गिलास रखा, तो जैसी दृष्टि गई, छोटे भाई का सर झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई देखेगा तो ये कहेगा कि देखो भाई की अर्थी में हाथ नहीं लगाया, भाई पर ये दो कंडे भी नहीं लगाए, भाई में लकड़ी तक भी नहीं लगाया, भाई की जो 13 दिन तक बैठक चलती है उसमें एक भी दिन नहीं आया, और देखो कितना। लेकिन उनको क्या पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, लोग जाने क्या क्या सोचेंगे, इसलिए गिलानी के कारण। लेकिन उस छोटे भाई के मन में भावना थी कि मैंने भाई के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाया, कम से कम उसके प्रसाद को तो मैं थोड़ा सा पालू, उसका प्रसाद तो मुझे मिल जाए, उसी से मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी।
उसी से मेरी आत्मा तृप्त हो जाएंगी। और जैसे छोटे भाई जो छोटे भैया थे वो बैठ करके प्रसाद का निवाला जैसे मुंह में तोड़ा, किसी ने कहा अरे भैया, बड़े भाई के बेटों से कहा देखो तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारा वहाँ चाचा जूता चप्पलों में बैठ करके भोजन पा रहा है, तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। ऐसे भतीजों से तो तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। और जैसे ही जब बड़े भाइयों को पता चला, बड़े भाई के बच्चों को पता चला, दौड़े दौड़े आए, चाचा चलो चाचा की आंखों में आंसू आ गए, भैया मेरी कोई गलती ना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जो तुम्हारे भाई है ना, जो मेरे बेटे हैं, उन्होंने भैया जिस दिन तेरे बाप का दाह संस्कार हो रहा था, तेरे बाप ने जिस दिन अंतिम सांस ली थी, उस दिन से अब तक मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तो अचानक जो छोटे भाई के बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी बड़े वालों के यहाँ पहुंच गए तो लेने के लिए आए, तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि भैया अब तो कम से कम शर्म रखो, हमने तुम में कभी मतभेद होते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे मन में जो मनभेद बन गया है उससे देखो कितना बड़ा आप अपयश के भागीदार बन गए हो। तो चारों जो पांच बड़े के पांच बेटे थे, छोटे के चार बेटे थे, नौ ने मिलकर के कहा कि अब आप क्या चाहते हो? तब कहा कि हम कुछ नहीं, हम तो बस ये, मैं ये चाहता हूं कि आप नौ के नौ इकट्ठे हो जाओ मेरी आंखों के सामने, बस मुझे शांति मिल जाएगी, बस मुझे शांति मिल जाएगी। वही बात विदुर जी समझा रहे हैं, और बड़ी सुंदर है विदुर नीति, कभी ज्यादा नहीं 10 रुपए की आती है, बड़ा निचोड़ है, उसको कभी आप पढ़ें तो आत्मज्ञान मिलेगा आपको। धृतराष्ट्र को धिक्कारते हैं कि भैया अगर एक बार भी आप कह देते कि नहीं ये तेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, ये जितना तू मेरे लिए लगता है उतने ये लगते हैं, ये भी संपत्ति के अधिकारी हैं, तो ये महान युद्ध जो आज हुआ है ये नहीं होता। लेकिन जब मेरा अपमान हो गया तो मुझे, जब मुझे ही सम्मान ना मिला तो मैं छोड़ करके चला गया। और सुनो अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी भी चाहो तो तुम अपना कल्याण कर सकते हो। और जो जो आप युधिष्ठिर के यहाँ पर बैठ करके इसका अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, इसको छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके अपना कल्याण कर सकते हो। तो बोले क्या हम तो अंधे हैं, दोनों अंधे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो कहा कि अभी आपका छोटा भाई जीवित है, और छोटे भाई का परम कर्तव्य होता है कि अपने बड़े भाई की सदगति करा दे। अभी मैं हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और रातों ही रात में सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, रातों ही रात में दोनों को लेकर के चले गए। 10वें दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र की और गांधारी की सदगति करा दी। जो तू राम नाम चित धरतो अगलो जन्म, अब को जन्म अगलो तेरो दो जन्म सुधरतो, अब को जन्म अगलो तेरो दो जन्म सुधर तो। जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। हाँ जम को त्रास सबे मिट जातो, जम को त्रास सबे मिट जातो, भक्त नाम तेरो पर तो, भक्त नाम तेरो पर तो। जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो।
तंदुल घीरत सावरी श्याम को तंदुल घीरत सावरी श्याम को संत परोसो कर तो संत परोसो कर तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो हाँ हो तो नफा साधु की संगते हो तो नफा साधु की संगत मूल गांठ ते न टर तो मूल गांठ ते न टर तो जो तू राम नाम चित धर तो जो तू राम नाम चित धर तो अरे सूरदास बैकुंठ पेट में सूरदास बैकुंठ पेट में सूरदास बैकुंठ पेट में सूरदास बैकुंठ पेट में तेरी को न फेंट पकड़ तो को न फेंट पकड़ तो जो तू राम नाम चित धर 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 तो हरे रामा आइए सभी रामा रामा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके भगवान से कहिए प्रभु हम तेरे हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा कलौ केशव कीर्तना हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम और दसवें दिन जाकर के सदगति कराते और जैसे ही कुछ समय बीता अर्जुन एक दिन आए युधिष्ठिर बैठे हुए थे अर्जुन से पूछा भैया तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है मुंह क्यों उतरा हुआ है
तो अर्जुन ने कहा कि भैया क्या बताऊं, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा ये न मे प्रथम तेजो देवा विस्मापनम महत। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, उदासीनता क्यों है। तब अर्जुन ने कहा कि भैया जिनके कारण मेरे गांडीव में टंकार होती थी, मेरे गांडीव को धनुष के पर जब मैं बाण चढ़ाता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी, जिनकी कृपा से हमने इतने बड़े राज्य को जीता, जिनकी कृपा दृष्टि से हम सभी पालित हो रहे थे, आज वो प्रभु हमें छोड़ करके भगवत धाम चले गए। और जैसे ही कुंती ने सुना कि भगवान चले गए, कुंती धड़ाम से गिर गई, और जैसे ही गिरी आत्मज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पांचों पांडवों ने कहा कि अब जब भगवान ही चले गए तो हम क्या करेंगे रह करके। पांचों पांडव परीक्षित को गद्दी दे करके स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। परीक्षित का विवाह हुआ ईरावती कन्या के साथ, चार पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। अपने पूर्वजों के द्वारा जो बताए गए नियम थे उनके ऊपर अमल करते हैं, शरणागति की सदा रक्षा करना, संतों का सम्मान करना। तो परीक्षित महाराज वेश बदल बदल करके संतों के आश्रम में जाते हैं, कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं है, व्यवस्था खराब तो नहीं है, अन्न जल की कोई कमी तो नहीं है, संतों की सेवा में कोई कमी तो नहीं आ रही है। पहले जाया करते थे वेश बदल बदल करके, वेश बदल बदल करके जाया करते थे, और आजकल देखते हैं अब तो केवल नजर भी संतों के आश्रम और आश्रम पर ही है, सरकार की जो दृष्टि है वो संतों के आश्रम पर। तपसी धनवन दरिद्र ग्रही सरकार भी सोचती है कि अब तो केवल महात्मा ही सबसे पैसे वाले हैं, और जहां जहां ये लगे कि भैया सरकार ऐसा डंडा घुमाती है कि साधु को है, अब साधु थोड़ी है वो तो स्वाधु है। हम किसी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि जो भगवत भक्ति से परे हो जाता है और भगवान जिस पद पर उसको बिठाते हैं, भगवान सोचते हैं कि भैया तू इस पद के लायक रहा नहीं, भगवान उसको वहां से हटा देते हैं। परीक्षित थोड़े से बड़े हुए, जब पूरा राज्य उन्होंने देख लिया, संतों की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं वेश बदल बदल करके, तभी सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों द्वापर का विश्राम होने लगा और कलयुग का आगमन होने लगा। एक दिन राजा परीक्षित संतों की सेवा के लिए निकले थे। भागवत जी में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है कि परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए निकले थे। परीक्षित ने जीवन में कभी शिकार नहीं की, केवल संतों के यहाँ देखने जाया करते थे, किसी जीव जंतु के ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है, किसी संत को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई उनको सता तो नहीं रहा है। तो परीक्षित महाराज निकले, जैसे ही निकले देखा कि एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा पुरुष नंगी तलवार लिए एक बैल को काट रहा है, उसके सामने गाय खड़ी होकर के रो रही है और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो हट्टा कट्टा काला मोटा पुरुष है वो कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि ब्रसरूप धृक यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। दोनों बातें कर रहे हैं और जैसे ही दोनों की बातें सुनी तो परीक्षित को लगा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो मुझे लगता है धर्म के रूप में बैल के रूप में धर्म है और पृथ्वी के रूप में गाय है। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे और जैसे ही वो काला पुरुष उस बैल को मारना चाहता है, पीछे परीक्षित ने कहा खबरदार तूने अगर अब की बार इस बैल से हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही कलयुग ने मुड़ करके देखा परीक्षित को, परीक्षित के चरणों में साष्टांग लेट गया, राजन मैं आपको प्रणाम करता हूं। परीक्षित ने कहा भैया तू कौन है,
और मेरे ये राज्य में एक बैल के साथ तू ऐसा अन्याय कर रहा है। तब उसने कहा कि राजन मैं कोई और नहीं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। और जैसे ही परीक्षित ने सुना कलयुग, कलयुग तू मेरे राज्य में निवास नहीं कर सकता है, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तुझे मेरा राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा प्रभु राजन सत्ययुग आया, सत्ययुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, अब तो मेरी बारी है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो समय का पहिया है, अब तो मेरी बारी है और आप मुझे अपने राज्य से भगा रहे हो, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। तो कलयुग से परीक्षित ने पूछा कि तेरे में सब दुर्गुण ही दुर्गुण है, तेरे में कोई सदगुण नहीं है, तेरे आने पर कोई माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, संतों का सम्मान नहीं करेगा, एक दूसरे को स्वार्थ भरी दृष्टि से सभी देखेंगे, इसलिए तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तुझे मेरा राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोले प्रभु आपने केवल मेरे दुर्गुणों को देखा है, गुण को नहीं देखा, आपने मेरे दुर्गुणों को देखा है, गुणों को नहीं देखा। बोले भैया तेरे में कौन सा ऐसा गुण है। तब कलयुग कहता है प्रभु भले ही मेरे में सभी अवगुण हैं, लेकिन एक सदगुण है। क्या? कल ने कहा तार दूंगा यदि जपे नाम की माला। सत्युग में योग के द्वारा भगवान को पाते थे, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा पाठ के द्वारा, और मेरे में तो एक ऐसा गुण है कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने पर ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे 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 राधे। केवल भगवान का नाम लेते भगवत प्राप्ति हो जाती है। यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत बलम लभते सम्यक लौकी सब कीर्तिनाथ। जो फल किसी भी युग में नहीं मिलता था वो केवल मेरे में कीर्तन करने पर मिल जाता था। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर मानस में भाव लिखा है, कलयुग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहिं प्रयास, भवतर बिनहिं प्रयास। कलयुग में भले ही सभी दुर्गुण हैं, लेकिन कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जोगति होइ सो कल हरे नाम ते पावें लोग। मेरे में प्रभु बस ये है कि मेरे में कुछ भी मत करो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, किसी ने कहा कि जब इतने दुर्गुण थे केवल इसी गुण के कारण परीक्षित ने इनको रहने दिया। बोले हाँ, क्यों रहने दिया। तब किसी संत ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, भैया मधुमक्खी को देखा है। बोले हाँ, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं होती, वो जब चलती है भन्न भन्न करके चलती है, उसका चलना भी अच्छा नहीं लगता, उस वो बैठ जाए तो उसका बैठना भी अच्छा नहीं लगता, पास होके निकल जाए पास होकर के निकलना अच्छा नहीं, शक्ल अच्छी नहीं, बैठना अच्छा नहीं, कोई कार्य अच्छा नहीं, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है। क्या? कि दुनिया के सभी इंजीनियर जो बने बैठे हैं उनका माइंड डेड हो गया, जो माइंड डेड बने बैठे हैं ना उनका माइंड डेड हो गया, लेकिन आज तक वो ऐसी मशीन नहीं बना पाए कि किसी पुष्प से उसके रस को सींच करके मधु बना दे, शहद बना दे, ऐसा कोई इंजीनियर आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन मधुमक्खी में ये सबसे बड़ा सदगुण है, भले ही शक्ल उसकी बुरी हो, उसका चलना बैठना उड़ना सब कुछ बड़ा है, लेकिन जो रस एकत्रित करके वो मधु हमको देती है, और देखो फिर भी हम उसको पालते हैं। महाराज खा जाए तो मुंह को फिला दे, अगर मुंह पे कहीं खा जाए तो मुंह भूल जाए, किसी भी शरीर के अंग पर खा जाए तो महाराज ऐसा लगे कि जन कितना खाया पिया घर का है, जिसका बैठना उठना खाना पीना सब बेकार। लेकिन एक सद्गुण क्या है कि वो फूल से रस एकत्रित करके शहद हमको प्रदान करती है, और हम लोग बड़ी बड़ी नीतियों के साथ उसका पालन करते हैं
तो भैया वैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि भले ही कलयुग में अनेक अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक सदगुण है। एक सदगुण क्या? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल गोविंद का नाम गुणगान करने से ही भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। तब कलयुग ने कहा कि प्रभु मेरे में सदगुण है। और ये बड़ा अच्छा लगा परीक्षित जी को। बोले अच्छा, तेरे अंदर इतनी खासियत है तो जा, मैं तुझे चार स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्राश धर्म चतुर्विद। तेरे को चार स्थान दे रहा हूं, जहां शराब पी जाती हो, जहां मदरा पान होता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां हिंसा होती हो, जहां पर कुकर्म होते हो, ऐसे स्थान पर तू रह सकता है। कलयुग का सर झुक गया। महाराज, तुम्हारे राज्य में मेरा आगमन हुआ है और तुम्हारे घर कोई अतिथि आए तो तुम ये कह दोगे कि जा जा करके चप्पलों के पास बैठ जा, जा हमारे जूते उतर रहे वहां बैठ जा। बोले नहीं महाराज, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कुछ अच्छी सी जगह दे दो मुझे। तो परीक्षित जी के मुंह से निकल गया, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग तू जाकर के सोने में भी वास कर सकता है, और वैसे जैसे ही कहा कि स्वर्ण में भी वास कर सकता है। सूक्ष्म रूप धारण करके कलयुग परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया। और जैसे ही विराजमान हुआ, अब बहुत से संत कहते हैं कि वो मुकुट भगवान अनिति से लेकर के आए थे। जरासंध को मार करके अर्जुन और भगवान और भीम तीनों गए थे दक्षिणा में मल्ल युद्ध मांगा कि हम तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो भीम का और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ। जब भीम मल्ल युद्ध में जाए लड़ने के लिए जाए तो जरासंध भीम की एक एक हड्डी को तोड़ करके रख दे। भीम ने शाम को आकर के कहा, प्रभु मेरे बस की नहीं है ऐसे युद्ध करना, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर, कल मेरी तरफ देखना। युद्ध करते करते जब भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने तिनका लिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। बोले बीच से चीर करके इसको विपरीत दिशा में फेंक दे, इसका जिसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। भीम ने वैसे ही किया। तो अनीति से कमा करके लाए, भगवान ने वहां भी गड़बड़ कराई थी। तो उसी अनीति के कमाए हुए धन में कलयुग का वास है, ऐसा संत कहते हैं। मुकुट में बैठ गया, बुद्धि विकृत हुई, और जैसी बुद्धि विकृत हुई, एक संत का अपमान कर दिया, प्यास लगाई। जहां संतों से संतों की सेवा करने के लिए जाते थे, आज संतों की सेवा कर सेवा लेने के लिए निकल पड़े। समीक ऋषि आंखें बंद करके तपस्या में रत थे। ऋषि मुझे पानी की प्यास लगी है, हे महात्मन जल पिलाओ मुझे। आंखें बंद कर ऋषि ध्यान में मग्न थे। तो कहा कि ये पाखंड कर रहा है, इसने जो आंखें बंद कर रखी हैं ये पाखंड कर रहा है। तो वहीं से बाण की नोक पर एक मरा हुआ सर्प लेकर के गले में डाल दिया। इसी दृश्य को एक शिष्य ने देखा, शिष्य ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र को बता दिया, भैया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही कहा कि मरा हुआ सर्प डाल दिया है, हाथ में जल लिया और जल लेकर के कह दिया कि जिस राजा को इतना गुमान है कि मैं राजा हूं, जा उसने मेरे पिता का अपमान किया है। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज से सातवें दिन बाद इस राजा को इसी सर्प के जो अग्रज हैं वो दंश कर लेंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया, राजा को श्राप मिला। समीक ऋषि को पता चला कि बेटे ने राजा को श्राप दे दिया है, बड़ा पछतावा हुआ, तूने क्या कर दिया। अरे जिसकी स्वयं भगवान ने घरों में आकर के रक्षा की, कोई बात नहीं, हमारे राजा हैं, हमारे पालक हैं, अगर ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे सर्प श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन तूने श्राप दे दिया है क्योंकि ब्राह्मण बालक है, ऋषि पुत्र है। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि भैया परीक्षित को श्राप लगा है, जाकर के कम से कम उसको बता के तो आ जाओ कि तू तुझे आज से सातवें दिन बाद इसी सर्प के अग्रज
तक्षक नाम का नाग आकर के दंश करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख ने आकर के कहा कि राजन ऐसी ऐसी बात है, आपको श्राप मिल चुका है। परीक्षित ने अपना मुकुट लेकर के अपने बड़े पुत्र के सर पर रख दिया, भैया आज से इस राज्य का राज्य अधिकारी तू हो गया। उसी समय सभी घरवार को छोड़ करके गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। बड़े बड़े संतों को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को श्राप लगा है। बड़े बड़े संत आकर के इकट्ठे हो गए। अत्रि वशिष्ठ चव्यन सारद्वा नृष्ट नेमी भृगुरंग राश्य। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, चव्यन सिंह, भृगु, अंगरा, बड़े बड़े सिद्ध संत माने हुए संत इकट्ठे हो गए। आकर के परीक्षित सभी से पूछते हैं, ये बताओ जिसकी जल्दी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। सब बंद हो जाते हैं, भैया महामृत्युंजय का पाठ करो, गंगा जी में गर्दन तक खड़े होकर के राम राम का भजन करो। कोई विशेष उपाय नहीं बता पाया। उन ऋषियों में अत्रि वशिष्ठ व्यास जी भी आकर के बैठे हैं, जिन्होंने भागवत जी की रचना की है। व्यास जी के पिताजी शक्ति भी आकर के बैठे हैं, बड़े बड़े संत आकर के बैठे हैं, लेकिन कोई परीक्षित के उद्धार की बात नहीं बता पाया। सुखदेव भगवान आंखें बंद करके बैठे थे, नारद जी को पता चला। नारद जी सीधे गए भगवान सुखदेव जी के पास में, प्रभु आप आंखें बंद करके बैठ रहे, वहां देखो परीक्षित की अधोगति होने वाली है और यहाँ आप आंखें बंद करके बैठे हो। तो सुखदेव ने कहा, भैया जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ, कोई अंधा व्यक्ति हो, सामने कुआं हो और दो आंख वाला व्यक्ति उस कुएं पर बैठा हो, तो क्या आंख वाले व्यक्ति का कर्तव्य नहीं बनता है कि उस अंधे व्यक्ति को रोक दे, भैया आगे कुआं है, तू आगे जाएगा तो गिर जाएगा। बोले बिल्कुल, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पाप उस पर पड़ेगा। नारद जी बोले, प्रभु परीक्षित अंधा है और अधोगति कुएं में गिरने वाला है और आप तो आंख वाले हो। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, नारद जी जिसके ऊपर आपका हाथ रख जाता है उसका कल्याण होने से कोई रोक भी नहीं सकता। और सीधे नारद जी के सहित उस सुंदर सभा में आज सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो बभूव यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रदस्य बालैर अवधूतवेश। परीक्षित बैठे हुए हैं, षोडश वर्षीय सुखदेव भगवान उस सुंदर सभा में आकर के जैसे ही विराजमान हुए, बड़े बड़े संत जो बैठे थे सुखदेव जी महाराज को देख करके खड़े हो गए और हमारे मध्य में भी सुखदेव भगवान आ रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। और जैसे ही बैठे परीक्षित के मन के भाव उमड़ने लगे, खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम नहीं। चाहे तो वर्षों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों सब संग किंतु गए नहीं। हम साह साह निर्द्वंद सके, सब पहले अब कुछ सहे नहीं। परीक्षित मुस्कुरा गए, लगता है कि मेरा कल्याण करने वाले मेरे भगवान पधार गए। और परीक्षित ने सुंदर पूजन किया। पूजन करने के बाद में प्रश्न कर दिया, प्रभु जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो। और जैसे ही प्रश्न को सुना सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यन्ति वै ग्रहा किं पुनर दर्शन स्पर्श पाद शौचा सना देवी। ये साम संस्मरणात् पुंसाम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। प्रभु आप ऐसे हैं कि आपका कोई स्मरण कर ले तो उसका कल्याण होता है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम प्रसस्य हम यत् कार्यम रीयमाणस्य सर्वथा। बोले सुखदेव भगवान की जय जय।